गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं तेजपाल दिनोदिया आरजे करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर क्या जो डिसऑर्डर था डिमेंशिया उसके बारे में पढ़ा था, जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर थे अपने उसके बारे में हमने डिस्कस किया था डिमेंशिया को। आज जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो हम पढ़ने वाले हैं डेलीरियम के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने डिमेंशिया के बारे में आपको बताया था कि जो डिमेंशिया होता है वो क्या होता है कि एक प्रोग्रेसिव जो मेमोरी लॉस होती है उसके अंदर, और एक यानी कि क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम बोल सकते हैं उसको। जो डिमेंशिया था उसके अंदर क्या था फ्रेंड कि जो डिमेंशिया था क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर था, लेकिन जो डेलीरियम है वो क्या है, एक्यूट ब्रेन डिजीज या मेंटल डिजीज या डिसऑर्डर आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, या मेंटल ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो डिमेंशिया क्या था कि एक क्रोनिक उसमें प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस था, लेकिन जो हम पढ़ते हैं डिलीरियम के बारे में तो वो क्या है कि एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है या ब्रेन डिसऑर्डर है वो है फ्रेंड्स। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, जो डिलीरियम होता है तो डिलीरियम के जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हाइपर एक्टिव होते हैं फ्रेंड्स। हाइपर भी हो सकते हैं कि, और काफ़ी जो केसेस होते हैं उनके अंदर हाइपो भी होते हैं, यानी कि या तो बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस, अगर माइनर डिफरेंस अगर हम इन दोनों के अंदर देखें तो जो डिमेंशिया था वो क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, और जो डिलीरियम है वो एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इनका इंसिडेंस, जो हम पढ़ रहे हैं डिलीरियम का क्या है इंसिडेंस हम देखते हैं फ्रेंड्स। इंसिडेंस, तो इंसिडेंस में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक तो एज ग्रुप है जो 20 से 40 ईयर की जो एज ग्रुप है उसके अंदर सबसे ज्यादा डिलीरियम के केस होते हैं। जो 20 से 40 ईयर की एज ग्रुप है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिलीरियम के जो केसेस हैं वो होते हैं। सेकंड, इसमें क्या होता है कि ये मोस्टली जो ऑनसेट है इसका, मोस्टली जो ऑनसेट है वो एडोलसेंट एज के अंदर होता है फ्रेंड्स। मोस्टली अगर हम बात करें जो डिलीरियम है, डिलीरियम के जो केसेस हैं वो मोस्टली जो अगर हम देखें तो वो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो एडोलसेंट जो एज होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि ये फ्रेंड्स होता है। और अगर हम बात करें इसकी एटियोलॉजी की, एटियोलॉजी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एटियोलॉजी में इसमें क्या होता है कि जो डिलीरियम होता है उसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट,
यानी कि क्या होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होते हैं उसकी वजह से यानी कि डेलीरियम के केसेस होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने डिमेंशिया में पढ़ा था, डिमेंशिया जो अल्जाइमर डिजीज़ थी उसमें क्या था कि जो एसिटाइल कोलाइन जो हमारा जो केमिकल्स जो होता है ब्रेन के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है अल्जाइमर डिजीज़ होती है। तो वो उसकी तरह उसमें जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर थे इम्पेयरमेंट थे, उसी तरह जो डेलीरियम होता है उसके अंदर भी क्या होता है कि जो मेन जो इसकी ईटियोलॉजी होती है वो होती है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट में जैसे इसमें देखें तो फ्रेंड्स मैनिंजाइटिस, सीजर के केसेस, या जो एनसेफेलाइटिस है, जो एनसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस, सीजर और एनसेफेलाइटिस के जो केसेस हैं वो जो न्यूरोलॉजिकल जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं उससे यानी कि क्या होता है कि डेलीरियम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। सेकंड अगर हम इसकी बात करें विटामिन डेफिशिएंसी, अगर हम विटामिन डेफिशिएंसी की इसके अंदर अगर हम बात करें तो विटामिन डेफिशिएंसी में जो थायमिन है, जो मोस्टली जो थायमिन है, थायमिन विटामिन की जो कमी हो जाती है उसकी वजह से यानी कि क्या होता है जो डेलीरियम है उस वो जो है वो सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स हैं उनका, या जो जैसे ड्रग ओवरडोज है, ड्रग्स ओवरडोज है, या जैसे जो सब्सटेंस यूज, या इंटॉक्सिकेशन है, या इंटॉक्सिकेशन जो इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है कि जो डिलीरियम है उसके केसेस फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं फ्रेंड्स। तो ये था इसका एटियोलॉजी फ्रेंड्स। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें साइन एंड सिम्टम, जो बेसिकली इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स, उसको हम साइन एंड सिम्टम हैं फ्रेंड्स उसके लिए एक ट्रिक है उसको याद करने की, जो डिलीरियम के जो साइन एंड सिम्टम हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक्स है फ्रेंड्स, जिसको आप बोल सकते हैं साइकेट्रिक केस। क्या बोल सकते हैं? साइकेट्रिक क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? साइकेट्रिक केस। तो पी से साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि या तो हाइपर हो जाएगी पेशेंट के अंदर या फिर हाइपो, यानी कि जो पेशेंट होता है वो बेचैन हो जाता है, वो या तो उसकी जो एक्टिविटी है वो हाइपर हो जाएगी या जो उसकी एक्टिविटी है वो हाइपो हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फर्स्ट हमने पढ़ा इसका जो सिम्टम है साइकोमोटर एक्टिविटी, यानी कि या तो उसकी जो एक्टिविटी है वो हाइपर हो जाएगी या जो उसकी एक्टिविटी है वो हाइपो हो जाएगी फ्रेंड्स। सेकेंड जो हमने पढ़ा सी है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट,
कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के अंदर जैसे इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, या डेल्यूजन है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है उसके अंदर क्या है, इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है और डेल्यूजन है। जो इल्यूजन का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था भी, इल्यूजन जो होता है वो क्या होता है कि जो यानी कि फॉल्स स्टिमुलाई, यानी कि जो स्टिमुलाई है उसमें, यानी कि जो स्टिमुलाई जो होता है उसको, यानी कि उनके एब्सेंस के अंदर, यानी कि ये इल्यूजन्स देखा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे कोई रस्सी है, रस्सी को यानी कि स्नैक समझ लेना, ये मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था जब मैंने इसको करवाया था। हेलुसिनेशन में क्या है कि ये यानी कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है उसमें इम्पेयरमेंट आता है। तो जैसे जो मोस्टली जो डेलीरियम के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, जो विजुअल जो हेलुसिनेशन है वो सबसे ज़्यादा यानी कि देखने को फ्रेंड्स मिलता है। उसके बाद में डेल्यूजन है, डेल्यूजन यानी कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें यानी कि पेशेंट को यानी कि फॉल्स और अनसेकेबल जो बिलीफ होता है ऑब्जेक्ट जो पर्सन से रिलेटेड वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम डेलीरियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेलीरियम का जैसे कि हमें पता है कि डेलीरियम क्या होता है कि एक यानी कि एक्यूट स्टेज के अंदर होता है, यानी कि सडन होता है और एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इसमें जो डेल्यूशन जो होगा वो यानी कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलेगा फ्रेंड्स डेलीरियम के अंदर। उसके बाद में ए से हम पढ़ रहे थे, अफेक्ट या अफेक्शन। अफेक्शन भी यानी कि फ्रेंड्स इसमें यानी कि जो पेशेंट है वो यानी कि सोसाइटी से अलग हो जाता है, तो इसमें लैक ऑफ अफेक्ट भी देखने को मिलता है। पेशेंट का जो मूड होता है वो यानी कि इरिटेबल हो जाता है इसके अंदर, तो अफेक्शन भी इसमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स। उसके बाद में स्लीप, एस पो स्लीप, या सनडाउन, सनडाउनिंग फिनोमेना या सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो स्लीप है, या तो पेशेंट दो तीन दिन तक लगातार उसको नींद आती रहेगी बहुत ज़्यादा, वो यानी कि स्लीपी फील करेगा, या जो पेशेंट होगा वो यानी कि इंसोमनिया हो जाएगा उसको, यानी कि बिल्कुल भी उसको नींद नहीं आएगी पेशेंट को, जो उसकी जो स्लीपिंग जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये दोनों तरह के जो पैटर्न है ये डेलीरियम के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। या सनडाउनिंग फिनोमिना, जैसे मॉर्निंग में तो पेशेंट बिल्कुल ठीक रहेगा लेकिन इवनिंग के अंदर यानी कि उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, तो सनडाउनिंग फिनोमिना भी इसमें देखने को हमें मिलता है। ई से इसमें जो इमोशंस हैं, इमोशंस हैं पेशेंट में, यानी कि क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए जब उसकी एक्टिविटी जो हाइपर हो जाती है तो उस टाइम यानी कि पेशेंट यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि इमोशनली फील करता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, और जब उसकी एक्टिविटी हाइपो के अंदर आ जाती है तो उस टाइम जो पेशेंट है वो बिल्कुल यानी कि म्यूट या स्टूपर स्टेज के अंदर चला जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो थे, ये जो सिम्टम थे जिसमें मैंने आपको पी केस के अकॉर्डिंग इसकी ट्रिक्स बताई थी, और इसमें मैंने आपको बताया साइकोमोटर एक्टिविटी जिसके अंदर क्या है जो पेशेंट है वो हाइपर या हाइपो के कंडीशन में चला जाता है। उसके बाद में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में जैसे मैंने बताया इल्यूशन, हेलुसिनेशन और डेल्यूशन है। मोस्टली जो हेलुसिनेशन है इसमें विजुअल देखने को मिलता है। उसके बाद में अफेक्शन, जो अफेक्ट है जो पेशेंट का वो इसमें डिस्टर्ब होता है। स्लीपिंग और जो सनडाउनिंग फिनोमिना है, स्लीपिंग यानी कि या तो पेशेंट को दो या तीन दिन तक लगातार उसमें नींद आती रहेगी बहुत ज़्यादा, वो स्लीपी फील करेगा, या जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल भी इंसोमनिया से सफ़र करेगा, बिल्कुल भी उस पेशेंट को यानी कि डिस्टर्ब, उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो इमोशंस है, लास्ट में हमने जो पढ़ा इमोशंस है, इमोशंस भी उसके यानी कि या तो जब हाइपर की कंडीशन में होगा तो बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करेगा या स्टूपर, वहीं दूसरी तरफ अगर स्टूपर के केस में आ जाएगा तो बिल्कुल भी पेशेंट है वो बिल्कुल भी यानी कि इमोशनली फील नहीं करेगा।
तो ये जो हमने पढ़े जो साइन एंड सिम्टम थे वो डेलीरियम के पेशेंट के, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर फ्रेंड्स क्या होगा कि पेशेंट की हिस्ट्री, हिस्ट्री कलेक्शन होगा, फिर इसका मिनी मेंटल MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद में जो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है इसके अंदर MRI, और जो विटामिन जो डेफिशिएंसी थी फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ब्लड टेस्ट हैं, जो ब्लड टेस्ट हैं वो वेरियस टाइप ऑफ जो ब्लड टेस्ट हैं वो हम इसमें पेशेंट के करवाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में जो इसका जो ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट में हम देखेंगे इसमें कि जो इसका ट्रीटमेंट होता है डेलीरियम का, उसमें फ्रेंड्स जैसे एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशेंट, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशेंट जो ड्रग्स है वो यानी कि पेशेंट को हम इसमें स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो मोस्टली जो हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स है, मैं इसको इतना डीपली नहीं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है फ्रेंड्स वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि जो डिलीरियम और डिमेंशिया जो हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हैं उसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे मोस्ट जो इनका आता है वो क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच में क्या होता है डिफरेंसेस, जो डिलीरियम और डिमेंशिया के बीच में जो डिफरेंसेस होता है वहाँ से एक या दो मार्क्स का वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें क्या है कि हम जो हैं वो यानी कि जो डिमेंशिया और डिलीरियम है उनके बीच में हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंसेस हमें करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि डिफरेंस बिटवीन डिमेंशिया एंड डेलीरियम, डिफरेंस बिटवीन जो डिमेंशिया और डेलीरियम है वो हम इसमें कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट जैसे आता है इसके अंदर ऑनसेट, ऑनसेट में फ्रेंड्स जो क्या है कि यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं डेलीरियम और ये है अपना डिमेंशिया, तो जो फ्रेंड्स ऑनसेट है वो जो डिलीरियम जो होता है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये यानी कि क्या होता है एक्यूट स्टेज, एक्यूट होता है, और जो डिमेंशिया होता है वो क्या होता है कि क्रोनिक होता है यानी कि स्लो प्रोग्रेसिव होता है, और जो डिलीरियम होता है वो यानी कि एक्यूट होता है। सेकंड हम अगर बात करें तो अगर ड्यूरेशन की बात करें तो जो डिलीरियम जो होता है वो यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जो डिलीरियम जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और जो डिमेंशिया होता है वो यानी कि लॉन्ग पीरियड्स के लिए होता है फ्रेंड्स। और थर्ड अगर हम इसके अंदर बात करें कि जो इनके अंदर जो हम थर्ड हम इसकी बात करते हैं कि इसमें जो मेमोरी है मेमोरी है इसके अंदर यानी कि सडन लॉस,
सडन लॉस होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि प्रोग्रेसिव होती है, प्रोग्रेसिव लॉस। और जो मोस्टली जो इसके अंदर क्या होता है कि जो लेटेस्ट होती है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो लेटेस्ट मेमोरी होती है वो इसके अंदर क्या होता है कि लॉस होती है। और यहाँ पे यानी कि सडन लॉस होती है, लेकिन यानी कि लेटेस्ट जो मेमोरी है वो सबसे पहले नहीं होती है इसके अंदर। जो डेलीरियम का जो केस होता है उसमें लेटेस्ट मेमोरी से स्टार्ट नहीं होता है प्रोग्रेसिव लॉस। इसमें जो लॉस होता है वो सडन लॉस होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो लेटेस्ट मेमोरी है वो पहले जाए। लेकिन जो डिमेंशिया का जो केस होता है उसमें जो लेटेस्ट मेमोरी है वो सबसे पहले यानी कि इफ़ेक्ट होती है फ्रेंड्स। उसके बाद में अटेंशन, तो जो डेलीरियम का जो पेशेंट होता है उसमें यानी कि क्लाउडीनेस हो जाता है, प्रॉपर क्लाउडीनेस हो जाता है। और जो लैक ऑफ अटेंशन है वो होता है यानी कि बहुत, यानी कि ये जो चीज़ है ये बहुत यानी कि फास्ट होती है इसके अंदर। और जो डिमेंशिया है उसके अंदर लैक ऑफ अटेंशन है, जो लैक ऑफ अटेंशन वो होता है, लेकिन कब होता है फ्रेंड्स, जब वो फाइनल स्टेज में ना चला जाए पेशेंट, फाइनल स्टेज ऑफ डिमेंशिया, यानी कि जब तक जो पेशेंट है वो फाइनल स्टेज ऑफ डिमेंशिया में नहीं चला जाता तब तक यानी कि क्या होता है कि तब तक उसका यानी कि जो अटेंशन है वो लैक ऑफ अटेंशन नहीं होता। लेकिन इसके अंदर यानी कि बहुत ही जो फास्ट है वो अटेंशन जो है पेशेंट का वो यानी कि डेफिशिएंट होता है फ्रेंड्स। तो ये हमने पढ़ा था इनके बारे में, डिमेंशिया और डेलीरियम के बारे में डिफरेंसेस फ्रेंड्स। अब जो हमारी जो नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि जो साइकेट्रिक से रिलेटेड जो जितने भी जो एमसीक्यू बनते हैं फ्रेंड्स, उसकी हम सीरीज शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारी दो क्लास थ्योरी के होने के बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो थर्ड क्लास हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्या है कि जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू बेस्ड जो चैप्टर हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो डिफरेंस जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो चैप्टर हैं उनसे यानी कि क्वेश्चंस हैं जो मैंने जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके जो एम्स के जो जोधपुर के एग्ज़ाम है या ISI एग्ज़ाम है या PGI का जो एग्ज़ाम है उनको ध्यान में रखते हुए यानी कि मैंने वो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें जो है वो हम MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।